मैडम सैमसंग का A55 फोन चाहिए जो अभी लॉन्च हुआ है, मुझे वो बेस्ट एंड प्रीमियम लगा। सर A55 लॉन्च तो अभी हुआ है, लेकिन वो 40,000 की प्राइस पर बेस्ट नहीं है। मैडम सब उसकी तारीफ कर रहे हैं और आप बोल रहे हो कि वो बेस्ट नहीं है, डिजाइन भी उसका फ्लेक्सिव S24 जैसा है। सर 40,000 में एक्सिनोस 1480 मिल रहा है, इससे तो कितने अच्छे फोन है मार्केट में। प्रोसेसर भी तो देखो, स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 वाले फोन भी मिल जाएंगे 40,000 में, तो जैसे OnePlus 12R। मैडम मुझे सैमसंग ही चाहिए, OnePlus 12R की डिस्प्ले अच्छी नहीं है, सिर्फ प्रोसेसर ही अच्छा है और वहाँ भी UFS 3.1 स्टोरेज टाइप ही है। वहीं A55 में सिर्फ प्रोसेसर ही तो एवरेज है, नहीं तो बिल्ड क्वालिटी, सॉफ्टवेयर, कैमरा, डिस्प्ले अपडेट सब OnePlus से बेटर है। सर जब सैमसंग ही बाय करना है तो S23 FE बाय कर लो 40,000 में, वो इससे बेटर है और प्रीमियम फोन है, उसका प्रोसेसर इससे अच्छा है, भले ही उसमें एक्सिनोस प्रोसेसर है, कैमरास भी अच्छे हैं, डिस्प्ले भी अच्छी है और वो फ्लेक्सिव सीरीज का फैन एडिशन है। मैडम वो 60,000 का लॉन्च हुआ था और 5 महीने बाद ही 40,000 रुपए का मिल रहा है, इसका मतलब फोन खराब होगा ना। सर प्राइस मैटर करती है, S23 FE 60,000 में बेकार था, लेकिन अगर आपको सैमसंग ही लेना है तो 40,000 में वो बेटर है। मैडम जब वो बेटर है और इससे अच्छा है तो ये क्यों लॉन्च किया सैमसंग ने? सर यही तो गेम है, A55 की प्राइस देखकर लोग S23 FE बाय करेंगे और A35 की प्राइस देखकर A55 बाय करेंगे ऑफर में। कंपनी की साइड से ये बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है और मेरी साइड से ये मार्केटिंग गिमिक वाला फोन है इस प्राइस पर। गिमिक इसलिए क्योंकि अच्छी बिल्ड क्वालिटी के नाम पर एवरेज प्रोसेसर दिया जा रहा है प्रीमियम प्राइस पर और बड़े बड़े बेजल्स वाली डिस्प्ले। मार्केटिंग स्कैम इसलिए लग रहा है क्योंकि सैमसंग A सीरीज के सारे प्रमोशन फोन के बैक साइड दिखाकर किए जा रहे हैं। अब फोन को बैक साइड से चलाओगे या फ्रंट से, सैमसंग को खुद शर्मा रही है फ्रंट डिजाइन दिखाने में, तो समझ जाओ कि बेजल्स कितने बड़े होंगे। ये डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रमोशन ही तो स्कैम वर्ड सोचने पर मजबूर करते हैं। यही फोन अगर 32,000 से 33,000 का मिले तो बेस्ट बन सकता है, क्योंकि फिर S23 FE 40,000 पर महंगा लगेगा। अगर A55 35,000 से ज्यादा की प्राइस पर बाय करोगे तो कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि S23 FE इससे बेटर है, भले ही 10% हो लेकिन बेटर है। S23 FE को मैंने 1 month पहले ट्राई किया था, फर्स्ट इम्प्रेशन ये था फोन देखते ही कि सैमसंग A54 ले लिया हो, बस थोड़ा प्रीमियम डिजाइन लगी उससे इसके मेटल फ्रेम की वजह से। ये कलर बेस्ट लगा स्टोर पर तो ये ले लिया, लेकिन इसका मिंट कलर भी अच्छा था। जैसे ही फोन को फ्रंट से देखा तो इसके इतने बड़े बेजल्स देखकर लगा सैमसंग का कॉन्फिडेंस तो देखो, इस फोन को 60,000 की प्राइस पर लॉन्च किया था 3 महीने पहले, उस टाइम मैंने इसे क्लियर बाय ना करने की एडवाइस दी थी। अब जब प्राइस थोड़ी रीजनेबल है तो टेस्ट करना तो बनता है। फोन को सेटअप करके ये उतना बेकार फील नहीं हो रहा जितना माइंड में इमेज बनाई थी। वैसे इसका इन हैंड फील एक डब्बे जैसा ही है जो प्रीमियम नहीं लगता, बिल्ड क्वालिटी सॉलिड फील होगी लेकिन S22 एंड S23 के कंपैरिजन में लुक एंड डिजाइन बहुत ही ज्यादा इंफीरियर है। लुक वाइज इस प्राइस पर पिक्सल 7 बेस्ट है, नथिंग फोन 2 सेकंड नंबर पर। ऑफ कोर्स S22 बेस्ट है, बट वो सिर्फ लुक एंड डिजाइन के पॉइंट से इससे बेटर है। सेटअप करने के टाइम फोन हीट हो रहा था, लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं क्योंकि मैंने सेटअप करने के टाइम पर OneUI 6 का अपडेट भी डाउनलोड पर लगा दिया था। सेटअप के बाद नॉर्मल यूज पर भी ये हीट हो रहा था तो लगा Exynos 2200 बिल्कुल भी ऑप्टिमाइज नहीं है, लेकिन जब परफॉर्मेंस टेस्ट किए तो लगा इतना भी खराब नहीं है। Geekbench स्कोर S22 एंड Pixel 7 से बेटर है, लेकिन Nothing Phone 2 एंड OnePlus 12R से बहुत पीछे है। CPU थ्रॉटल टेस्ट भी इसने अच्छे से पास किया, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी रही और कुछ ज्यादा हीट भी नहीं किया। वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम टेस्ट भी किया और वहाँ भी मुझे इसका रिजल्ट अच्छा लगा। बाकी आप लोग स्कोर देखकर खुद समझ सकते हैं कि ये आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से परफॉर्म कर सकता है या नहीं। ये टेस्ट करके जब इसे 1 घंटे बाद नॉर्मल यूज किया तो ये बेटर परफॉर्म कर रहा था, स्मूथ लग रहा था S23 की तरह, लेकिन ये S23 से स्लो था एप्स ओपनिंग में एंड एनिमेशन उतने अच्छे नहीं है। इसके फेवर में एक और पॉइंट है कि OneUI 6.1 के बाद इसकी स्मूथनेस अच्छी होगी और परफॉर्मेंस भी स्टेबल हो सकता है। रिमेम्बर मैं बोल रही हूँ कि हो सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। परफॉर्मेंस के पॉइंट से वही लोग इस फोन को बाय करें जो ये सोच कर चलें कि एक्सिनोस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस सेंटरिंग प्रोसेसर नहीं है, अभी तक तो सिर्फ एक्सिनोस 2400 को छोड़कर। सॉफ्टवेयर के पॉइंट से बेस्ट है, एडिशनल फीचर सबसे ज्यादा यही मिलते हैं। OneUI 6.0 के ऊपर 2 वीडियो मैंने बनाए हैं, वो आप देख सकते हैं डिटेल फीचर्स के लिए। डिस्प्ले क्वालिटी टॉप क्लास है, कंटेंट वाचिंग एक्सपीरियंस सैमसंग के 15,000 रुपए वाले फोन में भी अच्छा होता है, ये तो फिर भी 60,000 पर लॉन्च हुआ था। इसके फुल रिव्यू में इसका डिस्प्ले कंपैरिजन और भी फोन से करने की कोशिश रहेगी। कंटेंट वाचिंग के टाइम पर इसके बड़े बेजल्स बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लग सकते हैं इतना खर्चा करने पर भी,
क्योंकि बाय करने के बाद भी कंपैरिजन वीडियोस तो देखते ही हैं और फिर दूर के ढोल ज्यादा अच्छे लगते हैं। इसके फ्रंट कैमरा पर जो सिल्वर सर्कल है वो इसके लुक को और एवरेज कर देता है। अगर आपकी इस पर नजर गई तो समझो ये भी इरिटेटिंग है, और इस प्राइस पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। डुअल स्पीकर्स क्वालिटी बहुत अच्छी है, यहाँ कोई कंप्लेंट नहीं। प्राइस पॉइंट पर लाउड है एंड क्लियर है। ब्राइटनेस बहुत अच्छे लेवल की है और आउटडोर में भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। ये आउटडोर यूज में भी गर्म फील नहीं हुआ। यहाँ टेम्परेचर 34 डिग्री है और मुंबई में तो यही रहता है। आगरा जैसे शहर में गर्मियों के टाइम असलियत पता चलती है हीटिंग की, तो अभी तो हीटिंग के ऊपर कुछ भी कहना बेकार है। एक पॉइंट जो मुझे इसका बेस्ट लगा वो है इसकी कैमरा क्वालिटी। ये बेस्ट कैमरा फोन है 40,000 के आसपास। अभी तक पिक्सल 7 ही बेस्ट था, लेकिन उसका फ्रंट कैमरा इसके जैसा नहीं। इससे मैंने बहुत फोटोज क्लिक किए और मुझे जेन्युइनली सभी फोटोज बहुत अच्छे लगे हैं। जब मुझे इसका कैमरा पिक्सल 7 से बेटर लग रहा है तो OnePlus 12R एंड नथिंग फोन 2 इसके सामने सेकंड नंबर पर ही रहेंगे। पोर्ट्रेट फोटोज भी 3x टेलीफोटो सेंसर से बहुत अच्छे हैं और इसके 50 मेगापिक्सल से फोटो क्वालिटी बहुत अच्छी है। के 60 fps पर वीडियो भी रिकॉर्ड किए और वहाँ भी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। डिटेल्स हो, डायनामिक रेंज हो, स्टेबलाइजेशन हो, सब परफेक्ट लगा। फ्रंट कैमरा से 4K 60 fps वीडियोस भी सेम क्वालिटी के हैं, यहाँ भी कोई कंप्लेन नहीं। लो लाइट में वीडियोस रिकॉर्ड नहीं किए जो इसके फुल रिव्यू में जरूर ऐड हो जाएंगे। 40,000 की प्राइस पर अभी तक ये फोन कैमरा के पॉइंट से बेस्ट है। एक्सिनोस प्रोसेसर है तो दूसरी टेंशन बैटरी लाइफ की भी रहती है। एक बात तो क्लियर है कि S22 या फिर S21 FE से इसकी बैटरी अच्छी चलती है। अभी तक के यूज से इतना बोल सकती हूँ कि इससे बहुत ज्यादा स्क्रीन ऑन टाइम तो नहीं मिलेगा जैसे नथिंग फोन 2 से मिलता है। यहाँ एवरेज 6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम एक्सपेक्ट किया जा सकता है, जो एवरेज यूजर के लिए बहुत है। चार्जिंग 25 वॉट की ही है, जो सैमसंग पता नहीं कितने साल तक चलाएगा। अब कम से कम 65 वॉट की देना तो शुरू कर दे। जो One UI 6.1 से AI फीचर 24 सीरीज में आए हैं, अगर उनमें से कुछ यहाँ भी आ जाए तो बेनिफिशियल होगा। परफॉर्मेंस के पॉइंट से यहाँ UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है, जो कि UFS 4.0 होता तो बेस्ट होता कॉम्पिटिशन के पॉइंट से। यहाँ एक और पॉजिटिव पॉइंट है, USB Type-C 3.2 Gen 1 है, जो पिक्सल के अलावा किसी दूसरे फोन में नहीं मिलेगा। जैसे इस फोन में UFS 3.1 की कमी है, वैसे ही OnePlus 12R जैसे फोन में USB 2.0 है, और वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है। अभी तक के एक्सपीरियंस से ये क्लियर है कि ये फोन डिस्प्ले क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी, USB पोर्ट टाइप, बिल्ड क्वालिटी एंड सॉफ्टवेयर के पॉइंट से बहुत अच्छा है, और इसके बेजल्स एंड डब्बे जैसा डिजाइन बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। वहीं इसके प्रोसेसर की भी कोई गारंटी नहीं, ये बहुत अच्छा भी चल सकता है 3-4 साल तक, और 3 महीने बाद गर्मियों में बहुत हीट भी कर सकता है, और हीट किया तो बैटरी लाइफ भी कम हो सकती है। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।